नमस्कार, मैं हूँ प्रखर यात्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं उज्जैन की रश्मि एमजी मोइदे जी की। परिचय की बात करें तो शिक्षा योगा में डिग्री। सन 2004 में इंटर स्टेट योगा कंपटीशन जबलपुर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सन 2004 ही में इंटरनेशनल योगा कंपटीशन चेन्नई में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सन 2009 में हरिद्वार में रामदेव सर्टिफिकेट कोर्स किया। कोरोना काल के पहले उज्जैन में निशुल्क योग प्रशिक्षण दे रही थी। शब्द प्रवाह वेब पत्रिका, प्रखर गूंज, नर्मदीय जगत व अभिरुचि पत्रिका में लेख और कहानी प्रकाशित होती रहती हैं। स्टोरी मिरर में इनकी कहानी को ऑथर ऑफ वीक अवार्ड व रीडर चॉइस अवार्ड मिला और सर्वश्रेष्ठ 20 कहानियों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही में लिटरेसी कैप्टन आर्मी ऑफ लिटरेसी वॉरियर सर्टिफिकेट मिला। हाल ही में कुछ कुकिंग प्रतियोगिताएं भी इन्होंने जीती हैं। आज हम आपको रश्मि मोइदे जी की लेखनी से अवगत करा रहे हैं। रश्मि जी का आलेख शीर्षक है मेरा पौराणिक शहर उज्जैन। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन बहुत प्राचीन और पौराणिक शहर है। शिप्रा तट पर बसा उज्जैन पहले सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन समय से ही इसे अवंतिका, कनक, श्रृंगा और उज्जयिनी के नाम से भी जाना जाता था। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास थे। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन से उन्हें विशेष लगाव था। बहुत सालों तक वो उज्जैन में रहे और उज्जैन के गौरवशाली इतिहास के साक्षी बने। उज्जैन का उल्लेख पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उज्जैन में ही गुरु सांदीपनिस जी से शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो कि विश्व भर में अपने प्राकृतिक सौंदर्य व कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन के हिसाब से भी उज्जैन का बड़ा महत्व है। साल भर यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर मंदिर है। शिप्रा तट पर बसा महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में अकेला दक्षिण मुखी शिवलिंग है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनमोहक वर्णन मिलता है। राजा महाकाल उज्जैन के एकमात्र राजा हैं। उज्जैन में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी रात में नहीं रुकते हैं। सावन भादो में बाबा महाकाल की शाही सवारियां निकाली जाती हैं। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भी बड़े ठाट बाट से बाबा की दूल्हा रूप भव्य बारात निकाली जाती है और फिर बाबा महाकाल तथा माता पार्वती के सम्मान समारोह के दौरान विशाल महाभोग भी दिया जाता है। दूर दूर से भक्तगणों की भीड़ महाप्रसाद पाने के लिए उमड़ पड़ती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि हर मिलन होता है। इस दिन बाबा महाकाल की शाही सवारी भगवान हरि श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण जी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। बड़ा गणपति। यह भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बड़े गणपति जी की मूर्ति लगभग 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। यहाँ हर साल रक्षाबंधन पर सभी दूर से राखियां आती हैं। हर सिद्धि शक्ति पीठ देवी मंदिर। उज्जैन स्थित इस मंदिर को शक्ति पीठ, हर सिद्धि, हर मनोकामना पूर्ण करने वाला चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। यह विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। इस मंदिर में निरंतर अखंड ज्योति जलती रहती है। मान्यता अनुसार देवी दिन में 3 रूप बदलती है, सुबह बाल रूप, दोपहर में यौवना और शाम को बुढ़ापा। भूखी माता मंदिर।
शिप्रा तट स्थित भूखी माता नाम से प्रसिद्ध इस देवी मंदिर की कहानी सम्राट विक्रमादित्य के राजा बनने से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार इस देवी को रोज एक नवयुवक की बलि दी जाती थी। एक बार किसी माँ का विलाप सुनकर विक्रमादित्य ने उस माँ को उसके पुत्र की रक्षा का वचन दिया था और स्वयं उसके पुत्र के बदले जाने का निर्णय किया। विक्रमादित्य ने पूरे नगर में जगह जगह स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन सजा देने का आदेश दिया। उस स्वादिष्ट भोजन को खाकर देवी प्रसन्न हो गई और राजा को वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान में देवी को नदी के उस ओर रहने की विनती कर वहां माँ का मंदिर बना दिया, जिसे भूखी माँ का मंदिर कहा जाता है। मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन में शिप्रा तट पर स्थित है। यह मंदिर सदियों पुराना है। मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा की पूजा की जाती है। वैसे तो भारत में मंगल देवता के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की मंगल दोष पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ भगवान को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। सिद्धवट। चलिए अब हम उज्जैन के प्राचीनतम वृक्ष सिद्धवट के महत्व के बारे में बताते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जी द्वारा लगाए गए इस वट की शिव रूप में पूजा की जाती है। पार्वती पुत्र कार्तिक स्वामी को पहली बार यहीं से सेनापति नियुक्त किया गया था। इसे शक्ति भेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। गढ़ कालिका मंदिर। मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित माता गढ़ कालिका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। गढ़ कालिका कालिदास की आराध्य देवी थी। कालिदास के संबंध में यह कहा जाता है कि जब से उन्होंने इस देवी की पूजा अर्चना शुरू की, तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा था। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र की सुंदर रचना का स्तोत्र उनके मुख से यहीं से प्रकट हुआ था। उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह के आयोजन के पहले माँ काली की आराधना की जाती है। काल भैरव मंदिर। उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में मदिरा का भोग लगाया जाता है। भर्तहरि की गुफा। उज्जैन में भर्तहरि की गुफा एक सुप्रसिद्ध स्थल है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तहरि ने यहां साधना की थी। भर्तहरि संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने शतक त्रय ग्रंथ की रचना की। पत्नी पिंगला की मृत्यु के बाद उन्होंने वैराग्य लेकर नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। जंतर मंतर। जंतर मंतर वैद्यशाला भारत की 5 वैद्यशालाओं में से एक है। राजा जयसिंह ने उज्जैन में वैद्यशाला की स्थापना की थी। इस वैद्यशाला को खगोलीय तालिकाओं की गतिविधियों की भविष्यवाणी के लिए बनाया था। इस वैद्यशाला में एक स्वचालित दूरबीन से ब्रह्मांड के ग्रहों के दृश्यों को देखा जा सकता है। उज्जैन में और भी कई देखने लायक सुप्रसिद्ध स्थल और मंदिर हैं। चिंतामन गणेश, मनछामन गणेश, 24 खंबा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, 84 महादेव, 9 नारायण, सप्त सागर, कालिदह पैलेस आदि महत्वपूर्ण हैं। शिप्रा का रामघाट का भी अपना अलग महत्व है। उज्जैन में 12 साल में एक बार सिंहस्त मेला लगता है। उज्जैन शहर की बोली मालवी है। यहाँ के लोग सरल व सहज हैं। यहाँ का प्रमुख भोजन दाल बाटी चूरमा है। यहाँ का नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। यह महाकाल की नगरी होने के कारण यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यह आलेख प्रखर यात्री रश्मि MG मोइदे जी का है। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जुड़े रहें हमारे चैनल प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।